जीत को टीवी यूट्यूब देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. गुड न्यूज़ इज़ दैट जीत को टीवी इज़ गोइंग टू कम्प्लीट थर्ड ईयर, थर्ड बर्थडे जीत को टीवी का. और 14 फरवरी को मैंने स्टार्ट किया था. जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं अगर बाहर नहीं जा सकती तो जो नॉलेज मुझे है मैं वो लोगों के साथ शेयर करूं ताकि उनसे उनको फ़ायदा हो सके. तो मैंने वही किया. बट 2019 में मैंने अपने चैनल के लिए कुछ खास नहीं किया क्योंकि उस टाइम मैं कहीं और कुछ और करने में बिज़ी थी, कुछ और सीखने में बिज़ी थी. एंड जबकि 3 ईयर्स हो चुके हैं एक्सिस्टेंस के, तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. बहुत सारे लोगों से मैं अभी भी बात करती हूँ. कुछ लोग व्हाट्सएप पे काउंसलिंग लेते हैं, कुछ लोग फेस पेज पे मैसेज करते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं उन्हें अपना नंबर दूँ और उनसे बात करूँ. अगर मैं अपना टाइम 20 मिनट्स भी डिवाइड करती हूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 20 मिनट्स ही काफ़ी नहीं होते, क्योंकि मैं कोई पैसे चार्ज नहीं करती काउंसलिंग के लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना टाइम सभी लोगों को डिवाइड करना चाहिए क्योंकि मेरे लिए सब लोग इक्वल हैं. तो उसके लिए मैं उन्हें अपना नंबर तो नहीं दे सकती, बात भी नहीं कर सकती, पर हाँ मैं एक काम ऐसा कर सकती हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अगर सेम है उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बना सकती हूँ जिसमें मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का जवाब दे सकूँ. तो जब भी मैं ये कहती हूँ कि मैं फिर से आ रही हूँ, फिर से कर रही हूँ, तो फिर कुछ ऐसा होता है कि फिर वो स्टॉप हो जाता है. पर जब भी मुझे ये टाइम लगेगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक एक दो दो घंटे, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जब तक आपका सेटिस्फेक्शन नहीं होता आप बात करते रहते हैं मुझसे, तो कई घंटे लग जाते हैं. घंटा डेढ़ घंटा तो नॉर्मल सी बात है उसमें, तो उतना टाइम मैं स्पेयर नहीं कर सकती. तो इसीलिए आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है मुझसे बेधड़ल्ले से जीत कौर टीवी फेस पेज पे मैसेज में जाके या ऑन वॉल में जाके आप डायरेक्ट भी मैसेज पूछेंगे तो मैं नीचे रिप्लाई कर दूंगी. ये अथॉरिटी मैं आपको देती हूँ. वॉइस रिकॉर्ड अगर आप करके क्वेश्चन पूछें तो वो वॉइस रिकॉर्ड मेरे को फैसिलिटी नहीं है, या मैं मोबाइल में चेक करती हूँ क्योंकि कहीं पर भी टाइम होता है तो मैं बात करती हूँ, तो शायद वो ओपन नहीं होते, उसका रीज़न मुझे नहीं पता. एंड दूसरी ये बात है कि मैं आपके मैक्सिमम वो क्वेश्चन के जवाब ज़रूर देती हूँ जो रिलेटेड होते हैं. मैं उन लोगों के जवाब नहीं देती क्योंकि मैंने 300 से ज़्यादा वीडियो इमिग्रेशन पे बनाई हैं और उसमें यही समझाया है कि आप अगर एलिजिबल नहीं हैं तो आप ट्राई भी ना करें, क्योंकि मैं किसी भी इलीगल एंट्री या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में विश्वास नहीं करती. मैं आपको उस बारे में नहीं समझा सकती जो रास्ते मैं प्रमोट नहीं करना चाहती और जिनको मैं बिलीव नहीं करती. तो वो क्वेश्चन भी आप मुझसे ना पूछें क्योंकि वो आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है और मुझे गुस्सा आता है ऐसी बातों पर. तो दूसरी ये बात है, जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग खुद ही सर्च करते हैं, पर उसके बावजूद अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो डाउट्स पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके डाउट्स क्लियर होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है और ज़्यादा बढ़ेगा. तो मुझे वो अच्छा लगेगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है मेरी नॉलेज के हिसाब से तो वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि उससे मेरी नॉलेज और बढ़ेगी और आपको भी आइडिया मिलेंगे ताकि आप आराम से सेटल हो सकें, आप अपना प्रोसेस आगे बढ़ा सकें और आपका जो है जो टेंशन वाली बातें होती हैं वो सारी क्लियर हो जाती है. मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ पर वो बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनको एक रास्ता मिल गया. तो मेरा मकसद भी वही था एंड आगे भी यही मकसद होगा. हाँ, हो सकता है कि मैं महीने में 2 या 3 वीडियो दूं इमिग्रेशन पे, पर उसमें मैं मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगी. तो आज हम जिस वीडियो पे बात करेंगे वो वीडियो उस रिलेटेड है कि जो लोग सोशल नेटवर्क साइट्स में या डेटिंग साइट्स में या इंटरनेशनल डेटिंग साइट्स में अफेयर में है या रिलेशनशिप में है, एक्चुअली अगर जनरल भाषा में अगर कहा जाए तो वो एक टाइम पास का जरिया होता है. उसे कोई लीगल अथॉरिटी नहीं कि उसको एज ए रिलेशन आप माने, क्योंकि उसमें आपको प्रूफ करना पड़ता है. अगर आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है तो उसके कुछ एविडेंस आपको देने पड़ेंगे, कुछ प्रूफ्स आपको देने पड़ेंगे कि ये रिलेशन कितना जेन्युइन है. आप लोगों ने इतना टाइम डेटिंग साइट में लगाया तो आजकल टाइम पास करने के लिए लड़के भी लड़कियां बनते हैं और लड़कियां भी लड़के बनती होंगी,
तो ये बहुत सारी कॉमन सी चीज़ है कि जिसके पास टाइम है और जिसके पास ओपोजिट जेंडर नहीं है तो वो जो है टाइम पास करते हैं डेटिंग साइट्स में। बहुत कुछ है, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं उस चीज़ों पे, पर अगर उस चीज़ के बदले में आप ये क्वेश्चन कहते हैं कि आप 4-5 या 1 महीने या 1 साल से किसी के साथ डेटिंग साइट में या सोशल नेटवर्क साइट में, जैसे फेसबुक हो गया या फिर अदर डेटिंग साइट्स हो गए, अगर आप किसी से मिले हैं जो कि नॉन इंडियन है या फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड कंट्री को बिलोंग करता है, वेस्ट या इंग्लिश कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, एंड वो आपसे शादी करना चाहते हैं, तो आप उनसे मिलने जाना चाहते हैं, तो वो एक एक बात मैं क्लियर करती हूँ, अगर आपका रिलेशनशिप सिर्फ व्हाट्सएप चैटिंग एंड डेटिंग में है, मतलब कि आप डेटिंग ऑनलाइन करते हैं, तो वो एक प्रॉपर प्रूफ नहीं है। प्रॉपर प्रूफ होगा कि आपका इतना टाइम स्पेंड करने के बाद आगे क्या करना चाहते हैं आप। अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं चैट बॉक्स से निकल के, वीडियो चैट से निकल के, तो आप एक दूसरे को मिलने की कोशिश करेंगे। तो मिलने की कोशिश जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री करते हैं, फर्स्ट या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज को, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इंग्लिश कंट्रीज हैं, उसमें इस रिलेशनशिप को कोई प्रॉपर वो नहीं दिया जाता। जैसे कि साउथ एशिया एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनको उस बेस पे वीजे नहीं मिलते। बहुत ही रेयर चांसेस हैं, एक्सेप्शनल चांसेस हैं कि आपको प्रूफ कैसे करें कि आप जिसे मिले नहीं फिजिकली, आप उससे मिलने जा रहे हो। तो प्रिफरेंस ये देनी चाहिए कि वो डेवलप्ड कंट्री के हैं, अगर उनका भी इंटरेस्ट वही है कि आपके साथ वो लाइफ भर रहना चाहते हैं या आपको मैरिज करना चाहते हैं, तो वो आपको मिलने के लिए आए। क्योंकि अगर आप उनके लिए मिलने जाएंगे तो हमारी कंट्री में ऐसी कोई आज़ादी, इंडिया में ये आज़ादी नहीं है कि आप शादी से पहले किसी से अफेयर बनाएं। ये बात सभी इमिग्रेशन वालों को पता है कि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में पैदा हुए हैं तो हमारे बच्चों को वो राइट है, वो समझते हैं कि यहाँ पे वो बंधन में बंधना नहीं चाहते। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या आपके जो अफेयर है उसको वहां पे मान्यता है, उसमें शादी करने की भी जरूरत वहां पे नहीं होती। क्योंकि अगर आप 2 साल रिलेशनशिप में हैं एंड आपके पास प्रूफ है तो वो एक जेन्युइन प्रूफ मानते हैं रिलेशनशिप का, बट साउथ एशियन कंट्रीज का वो प्रूफ नहीं है। जब तक आप शादी नहीं कर लेते, आपके सिस्टम से शादी नहीं कर लेते, और उसको मान्यता आपके देश के, आपके धर्म के हिसाब से नहीं है, तो उसको मान्यता ही नहीं दी जाती। क्योंकि वो सिर्फ ये समझा जाएगा कि आप इमिग्रेशन के लिए शादी कर रहे हैं या ये एक फेक मैरिज है, आपके वीजा रिजेक्ट हो सकते हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए, अगर आपका सचमुच में कोई अफेयर है या आप सचमुच आप दोनों किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, तो आप जरूर एक दूसरे से मिले, तो प्रीफरेंस उनको करनी चाहिए। क्योंकि वो पहले अगर आपको मिलके जाते हैं तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा कि वो सामने वाला बंदा आपके साथ रिलेशनशिप में है, वो आपको मिलने भी आया और आपको वहां पे बुलाना भी चाहते हैं। हाँ, ऐसे भी लॉ है कि आपको वो शादी करने के लिए वहां पे बुलाए, पर ऐसी कंट्रीज जहां पे एक साथ कई सालों के बाद रहने के बाद शादियां होती हैं, तो उसको मान्यता मिलती है, ना कि उनको जो ऑनलाइन मिलते हैं। क्योंकि ये एक इमोशनल सा रिश्ता है या फेक भी हो सकता है, किसी को क्या पता कि आपका रिलेशन कितना जेन्युइन है। अगर हम इस ढंग से देखें तो अगर आप इसके बावजूद भी ट्राई करना चाहते हैं, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं, पर प्रूफ तो होना चाहिए कि अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं। जब भारत में इस चीज की मान्यता नहीं कि इटालिया में पैदा हुआ नागरिक भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, उसको भारत की नागरिकता ही नहीं मिल सकती, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आप किसी देश में पैदा हुए बड़े हुए नागरिक को अपना स्पाउस मान लें। आजकल ऑनलाइन जो मैरिजेस होती थी इस्लाम के हिसाब से कबूल है वाली, जो वो मैरिजेस को भी मान्यता नहीं दी जाती। तो आपको फिजिकली मतलब पर्सनल आपका मिलना बहुत जरूरी है, आप एक दूसरे से मिले, अपने रिश्ते बढ़ाएं, उसके बाद आपको जो प्लान करना है आप करें। अगर आपका फॉरेनर पार्टनर जॉब करता है, अगर उसकी इनकम उस हिसाब से है टैक्सेबल कि आपको वो वहां पे एज अ डिपेंडेंट मंगा सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, तो जरूर आपको वीजा मिल जाएगा। बट वहां से उनको पहल करनी चाहिए, क्योंकि हमें भारत वालों को या साउथ ईस्ट एशिया वालों को ये प्रेफरेंस नहीं, वो विश्वास ही नहीं करते हम लोगों पे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अगर आपको ऐसा कोई भी रिलेशन है तो आप अपने रिलेशनशिप को मजाक ना समझें, एक सीरियस कॉन्सेप्ट समझ के उसको लीगल रूप से आप आगे बढ़ें। कोई भी गलती नहीं है उसमें, अगर दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड हैं तो उसमें
थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। बस मैं आपको इसीलिए कह रही हूं क्योंकि इसमें ये बात ना आए कि ये अनऑथराइज्ड है, ये सिर्फ इमिग्रेशन के लिए क्रिएट किया गया है या इसका कुछ और मकसद है। आप इस चीज को समझें और उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंटेशन और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। और अगर वो टाइम पास है तो वो ऐसा ना हो कल के दिन कि लोग बाहर से आके यहाँ पे घर और जमीनें बिकवा के पैसे लेके आपकी बेटियों या बेटों के साथ रह के भी चले जाते हैं और वापस नहीं आते। इस तरह के फ्रॉड से आप बचें। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि ऐसे लाखों फ्रॉड्स हो रहे हैं, आप किसी फ्रॉड का शिकार ना बने। कोई सीरियस है आप में तो आपके साथ रहने आएगा, आपको मिलने आएगा, लीगली आपसे शादी करके आपको लेके जाएगा, ना कि आपकी प्रॉपर्टियां बेच के वो पैसे डॉलर्स में कन्वर्ट करके लेके जाएगा, वो आपको लेके जाएगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करें जो मेरा समझाने का मकसद है, क्योंकि रिश्तों को मजाक ना बनाएं। माँ बाप से भी ज्यादा प्यारा रिश्ता पति पत्नी का एंड स्पाउस का माना गया है या सिविल पार्टनर का माना गया है, तो उस रिश्ते को आप इज्जत दें और उसी में आगे बढ़ें ताकि आपको कामयाबी हो, और यही मेरा मकसद है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत कौर टीवी यूट्यूब। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो वेरी मच।